के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। इस खबर पर नजर डालते हैं, ये खबर बालाघाट से है, जहां जिला मुख्यालय बालाघाट से महज 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा परसवाड़ा से ग्राम बोरी के बीच बहने वाली घिसरी नदी में नाव के सहारे दिन में दो बार जान जोखिम में डाल करके उफनती नदी को पार करने के लिए सैकड़ों स्कूली मासूम बच्चे और यहां के ग्रामीण किसान मजबूर हैं। अरे जनसुनवाई में आवेदन दोनों जी खाती। परसवाड़ा के ग्राम बोरी के बीच बहने वाली घिसरी नदी पर वर्षों से ग्रामीण एक पुलिया की मांग कर रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चों को और किसानों को आने जाने में अपनी जान दांव पर ना लगानी पड़े। किंतु हर बार क्षेत्रीय प्रतिनिधि और शासन प्रशासन की उदासीनता कहें या फिर लापरवाही, जिसके चलते यहां के ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। शासन प्रशासन और तत्कालीन सांसदों द्वारा यहां पुलिया निर्माण के लिए कभी कोई ठोस या निर्णायक कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारण आजादी के बाद से आज तक यहां के सैकड़ों ग्रामीण बरसात में अपनी जान दांव पर लगाकर इस नदी को एक छोटे से डोंगे के सहारे पार करने को मजबूर हैं। जो मांग है ये लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना है संसदीय क्षेत्र की। यहाँ के 6 सांसद जा चुके जी। 7वीं सांसद भारती पारधी जी यहाँ पर बनकर आई है। पहली बार हमको उम्मीद बनी है कि संभवतः ये पुलिया का निर्माण हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही लिंगा आगमन हुआ था उनका, जहाँ पर पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे जी साथ में आए थे और यहाँ के लोगों द्वारा चर्चा की गई, मेरे द्वारा भी चर्चा की गई, इस बात को उठाया गया। उनका यह कहना है कि मैं जितने जल्दी हो सकता है इस पुलिया के लिए प्रयास करूँगी, और हमारे पूर्व मंत्री कावरे जी ने भी इस बात के लिए उनको बोला कि यह अति आवश्यक कार्य है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर लगभग यहाँ के परसवाड़ा के किसानों की 400 एकड़ भूमि उस तरफ और एकमात्र सहारा है नाव, जिसको अपन गांव की भाषा में डोंगा बोलते हैं, और उसी से आना जाना होता है। लगभग 200-250 बच्चे बोरी कटंगी से उस नाव के द्वारा लिंगा हाई स्कूल में अध्ययन करते हैं, और ये बहुत दिनों से इन दोनों गांव के लोगों की मांग रही है, परंतु नहीं मालूम क्यों प्रशासन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। शायद मेरे ख्याल से किसी अप्रिय घटना के इंतज़ार में होगा, ऐसा लग रहा है। परंतु अभी उम्मीद बंधी हुई है सम्मानीय भारती पारधी जी से, कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, पूर्व मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि इस बहुप्रतीक्षित मांग को हम बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। जैसे डोंगे से जो खेत के मालिक है, लेबर है, वो जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इतने जो अभी तेज पानी में और बाढ़ की स्थिति में, तो दुर्घटना संभावित कभी भी कुछ भी हो सकती है, डर के साये में जान जोखिम में डाल के पार कर रहे हो। और एक बात और बता देता हूँ आपको, चाहे वो भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कृषकों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, परंतु कृषक किस समस्या में है उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। आज कोई भी अप्रिय, भगवान ने आज तक तो कोई अप्रिय घटना नहीं होने दिया इस घाट पे, परंतु कल कोई अप्रिय घटना घट जाए तो प्रशासन इस गांव के लोगों को या उन बच्चों को ही बोलेगा कि आप नाव से क्यों आ रहे थे, वो अपने ऊपर नहीं लेता। ऐसी परिस्थिति में मैं प्रशासन से एक निवेदन करूँगा कि जितने जल्दी हो सके इस बात को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द यहाँ पुल निर्माण करवाने की कोशिश करें, अन्यथा हम लोग गांव के लोग सब बच्चों को लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन जितना उग्र होगा जवाबदारी प्रशासन की उतनी ही। मैं योगेश्वरी बिसेर में रहती हूँ परसवाड़ा, और हमारी खेती है बोरी में, और बोरी में सारे किसानों की खेती है, और जैसे कि ज़्यादा पानी आ गया तो हमारे को घुटने घुटने पानी में भी जाना पड़ता है, और ऐसा भी डर है कि उधर से कभी ज़्यादा बाढ़ आई तो हमारी जान पे भी आन बनती है, और बच्चे हैं स्कूल के, डेली यहाँ से आना जाना करते हैं, उनके भी ऊपर भी मतलब खतरा ही मंडराता है, और नाव भी है ऐसा
कि नाव से आते जाते में भी कोई आगे आया कोई पीछे आया तो एक पे एक चलबिल चिलबिल होते हैं, तो फिर डोंगा भी कभी कभी पलट जाता है नदी में, और इसीलिए हमारे को मुसीबत है। तो अगर हमारे सब गाँव वालों को और बोरी वालों को व्यवस्था के लिए अगर पुल बना के दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे आप लोगों। इसके पहले बोले थे आपने पुल की मांग किए थे क्या? हाँ, एक बार आवेदन भी दिए है, सब लोगों ने साइन भी किए थे। किसको दिए थे आवेदन? शायद कंकर मुजारे है ना, आए थे तो एक बार यहाँ पे, उन्हीं को दिए थे हमने। तो वर्तमान विधायक को नहीं दिए अभी, मधु भगत जी को? नहीं, अभी तो नहीं दिए है, क्योंकि अभी हमारे सामने अभी आप ही आए हो तो हम आपको बता रहे हैं ऐसा। ये तो बहुत जान में जोखिम डाल के आप। हाँ, जान में जोखिम ही है। ये नाला है कि नदी है? ये नदी है। कौन सी नदी है? घिसली नदी है। अच्छा। और इसके आगे भी और थोड़ी सी एक दूसरी नदी आती है, उसमें पुल बन गया है, पर ये नदी जो है इसमें पुल कभी बना नहीं है। इसके आगे कौन सी नदी आती है जिसमें बन गया है? वो भी इसी का है, एक मतलब इसी में नाला है, इसी में आती है वो मिलके। और ये कहीं हमारे सास ससुर आजे ससुर के जमाने से और बहुत ही पहले से ये नदी में इसी हालत से जा रहे हैं, पर इसमें सुधार नहीं हुआ है। तो ये आना जाना कैसे करते हो फिर घर से स्कूल? डोंगे से आते हैं, नाव से। नाव से? हाँ। और कभी डोंगा नहीं मिल पाया तो फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो इसमें डरने लगता है आपको डोंगे से आते हो तो छोटे से? लगता है ना। लगता है? हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ का पुल बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये मांग है।